हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दर्शकों को, मेरी यानी गीत उदय सैनी की ओर से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। सो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के एक और पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, यानी कि एक और खास एपिसोड के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों आज के शख्सियत से मिलवाने से पहले आपसे चंद बातें करनी है। अक्सर जब हम सफलता असफलता की बात करते हैं ना, तो सफल और असफल व्यक्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। वो कैसे? पहला वाला व्यक्ति जिसके जीवन में दृढ़ निश्चय और एक कहीं नेतृत्व क्षमता होती है, और इसी की वजह से वो दृढ़ निश्चय होकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता रहता है, यानी कि उस रास्ते पर सफलतापूर्वक चलता रहता है। लेकिन दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते तो रहते हैं, लेकिन एक दृढ़ता की जो कमी होती है ना, वो उनमें साफ देखी जा सकती है। सो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज जिस खास और सम्मानित शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं ना, उन्होंने ज़िंदगी के पड़ावों को बड़ी ही खूबसूरती से जिया है। जीवन में अनेक अनेक भूमिकाओं को इतने बेहतरीन तरीके से जिया है कि उनकी ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं को जब सुने देखें तो खुद ब खुद वो काफ़ी प्रेरणादायी लगती हैं और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी होती हैं। सो चलिए मिलवाते हैं आपको उस सम्मानित शख्सियत से। मंजिलें हैं तो फासले क्या हैं, मंजिलें हैं तो फासले क्या हैं, हौसला है तो रास्ते क्या हैं। दोस्तों वक्त है उस खास सम्मानित शख्सियत की ज़िंदगी को जानने का, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र इनक्रेडिबल है, उनका सफ़रनामा अतुलनीय है, उनकी उपलब्धियाँ उनकी अचीवमेंट्स को जानने का वक्त है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मिस्टर अशोक नादर जी से, वो खास शख्सियत जिनकी ज़िंदगी हमें इंस्पायर करती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेहरबानी, आपने समय निकाला, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू सर आपका, जो आपने हमारे लिए समय निकाला है। नहीं, वो रीज़न इसीलिए क्योंकि देखिए मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ना ये अपने दर्शकों को बता रही थी कि आज जिस खास शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी के जो पड़ाव रहे हैं और ज़िंदगी में उन्होंने जो जो भूमिकाएं निभाई है ना, सब में वो सफल रहे हैं, और उस सफलता के पीछे खास एक कारण है आपका पॉजिटिव होना और आपका डिटर्मिंड होना आपके हर टारगेट्स को लेकर। एंड दैट्स द रीज़न कि अशोक नादर सर ना सिर्फ एक सफल उद्योगपति हैं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, समाज सेवी होने के साथ साथ वो एक साहित्यकार भी हैं। बहुत खूबसूरत नज़में अब तक वो लिख चुके हैं, और आज ज़िंदगी के इन तमाम भूमिकाओं को हम बड़े ही तफसील से आराम से उन्हीं से जानेंगे। अशोक सर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपने इस कावली में, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोल क्योंकि ये तो आपकी सर ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ ना, ये आपकी ज़िंदगी का सत्य भी है, इसलिए मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए आप ज़िंदगी की इन्हीं भूमिकाओं को आपने मुझे आराम से बताना है। एज आई जस्ट सेड कि यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट राइट, एंड आप इंजीनियरिंग आपने की, यू आर एन इंजीनियर, आप एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी सारी भूमिकाएं आपने ज़िंदगी में निभाई हैं, इन सब के बारे में मुझे पहले तो बताएं। ज़िंदगी काफ़ी लंबी होती है, छोटी सी नहीं होती है, और एक एक जो पल है, एक एक मिनट है, एक एक घंटा है, एक एक दिन है, हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। एक पल भी गवाना मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी की इंतहा है। एक एक पल जियो, एक एक मिनट जियो, एक एक दिन जियो, और जब आप जी रहे हैं ना, तो जीना ये नहीं कि हाँ सवेरे उठे और जो है बेड पे जाके लेट गया, अय्याशी हो गई भाई, बहुत मौज किया, सारा दिन लेटे रहे, बट व्हेन यू डोंट क्रिएट एनीथिंग देयर इज नो लाइफ।
हर मोमेंट पे माइंड में क्रिएटिविटी रखो, खुशी मिलती है, आत्मा को खुशी मिलती है जब आप कुछ भी क्रिएट करते हो। एक शेर लिखा मैंने अभी आपको सुनाया, जो शेर जो वो आज सुबह हुआ था वो, ठीक है, तो मज़ा आया बना के। वो खुशी जो मिलती है वो और किसी तरीके से नहीं मिलती, अचीवमेंट ही खुशी देती है, अचीवमेंट ही खुशी देती है। तो जियो, खुल के जियो, मन से जियो। 76 ईयर्स मेरे निकले हैं अब तक, छोटा समय नहीं है। मैं तो खुदा का बहुत मेहरबान हूँ कि अभी कल हम सवेरे सैर करने गए तो यार मित्र इकट्ठे हुए। अच्छा। तो देन वन ऑफ देम राजीव जी हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। तो वो कहते यार 50 साल ना हूँ शादी वाले पूरे होने वाले हैं। अच्छा। मैं क्या, हाँ होने वाले हैं। कहता अपने सारे दे महीनिया का फर्क है, बहुत सालों का फर्क तो है नहीं, जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने कि फर्क होगा आप इस। तो कहता कमाल है कि साढ़े फादर साहब कहा करते थे कि पंजाबी जी शादी की वर्षगांठ है ये किसी जमाने च दो तीन लोगों नसीब होंगी सी सौ चो। आज जो है हम उसको इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मीन्स अगर हम समय मिलता है उस समय को सदुपयोग करके कुछ अचीव करो, कुछ क्रिएट करो। मेरी तो सभी से ये गुजारिश है, कुछ क्रिएट करो। जब क्रिएट करते हो लुत्फ देती है वो, किसी को लुत्फ देती है। तो ऐसे ही चलता रहा सफ़र। अच्छा, शुरू से हम शुरुआत से शुरू करेंगे। मैं अपने दर्शकों को पहले ये बता दूं कि जब से सर के घर पे हमने एंट्री की है तब से लेकर बस ये रिकॉर्डिंग का जो स्विच है वो ऑन हुआ है, वो जो समय था ना उस सभी टाइम में उस समय के दौरान सर से बहुत सी बातें हुई हैं और सर ने ज़िंदगी के उन तमाम कहें पड़ावों को बड़ी खूबसूरती से हमारे साथ शेयर किया। और यकीन मानिए उनकी हर बात पे एक इंस्पिरेशन जो है वो हमें मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो वो बातें उन्होंने उससे पहले हमारे साथ शेयर की हैं वो हमारे साथ आगे भी शेयर करें। तो सर, जितना मैंने आपके बारे में जाना है ना, उन सब में एक बात है कि आप हमेशा से ही एक बात पे बड़ा जोर देते हैं सभी यंगस्टर्स को कि रोजगार खुद से क्रिएट करो। यस। स्वरोजगार होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। उसी से ही आप स्किलफुल भी होगे, स्किलफुल आप होंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी जो है वो सुधर सकती है। लेकिन ये बातें कहने वाले जो अशोक नादर जी हैं ना, ये आपके साथ खुद ये हुआ है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब पढ़ाई के बाद आपने नौकरी की, मेरे ख्याल से एक साल डेढ़ साल आपने नौकरी की होगी, उसके बाद घर परिवार चलाने के लिए सिर्फ 25,000 थे पॉकेट में और उस 25,000 से आपने अपना बिजनेस शुरू किया और वो एक वो दिन था और आज का दिन है कि आप दूसरों को भी वही कह रहे हैं जो आपने कभी खुद फॉलो किया। वो जर्नी सर हमें बताएं कि 25,000 कैसे इकट्ठे हुए, फिर वो 25,000 से कैसे आपने खुद रोजगार की शुरुआत की, खुद आप रोजगार हुए हैं। जी ऐसे है, ये फैमिली से मिलती है हमें। मेरे फादर साहब ने एफए की हुई थी और उसके बाद जो है उस जमाने में 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, एफए की। अच्छा। एंड ही हैड टू लीव एजुकेशन, लाहौर से की थी उन्होंने। तो देन उन्होंने नौकरी नहीं की। नौकरी मिल रही थी महाराजा नाभा स्टेट में, तो ही डिडंट डू इट। वो कहते कोई काम दो। अच्छा। तो कहते जी हॉस्पिटल जो नाभे की हॉस्पिटल है जो उसकी बाउंड्री वाल है, तो वो बाउंड्री वाल तैयार हो गई थी, उस पर बाहर टीप करनी थी। तो मेरे फादर की लाइफ का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे ये दे दो काम। अच्छा। मैं नौकरी मत दो मुझे स्टेट की, मुझे ये काम दे दो। एंड उन्होंने अपने हाथ से वो टीप की हुई थी, वो हमें बताया करते थे कि ऐसे है। तो अपने आप रोज़गार अपने लिए पैदा करो, दैट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत लाजिम है। नौकरी विद ड्यू अपोलॉजीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी ऑन द अर्थ, नौकरी गुलामी है, नौकरी गुलामी है। जिस दिन हमने ये सोच लिया उस दिन एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप दिमाग में आएगी, अपने आप सोच डेवलप होगी, भाई नौकरी नहीं करनी, अब क्या करूँ मैं, अब रास्ते निकालोगे।
रास्ते निकालोगे और रास्ते निकलते जाएंगे, ये नहीं हो सके रास्ते ना निकलें, राइट। इसमें मैंने एक किताब में जो शायद आपके हाथ में है वो, ये बेरोजगारी का इलाज, स्वरोजगार, ये देखिए, ये चीज़ जो है, यही चीज़ मैंने इसमें, पूरी किताब जो है इसी टॉपिक पे है। ये क्या हुआ, अराउंड 5 years back मेरा पिंड घड़ूआ थे, उत्थे असी हर होले ते मत्था टेकन जाने, साडे बजुर्गों की समाध है उत्थे, मत्था टेकन जाने, उत्थे नाल गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारे च लंगर बन रहा सीगा, ते जेड़े मुंडे कुड़ियां बुढ़े बजुर्ग लेडीज़ और बैठियां सब्जी कट रहे थी, उस दो मुंडे ऐसे सीगे जिन्हां दियां टंगां मेरी बाहां तो पतलियां सीगियां। बहुत मन ते बोझ पिया कि अगर ये जवानी हमारी है तो कौन संभालेगा। आई इंक्वायर ये किसके बच्चे हैं, कहते वो बैठी है बेबे, वो मुंडे है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया है कारपेंट्री ट्रेड की बात, वहाँ से शुरू हुई, वो दोनों बच्चे ITI कारपेंट्री ट्रेड के थे वो। अच्छा, नहीं अब वही बात आ गई ना, जिन्हें ITI कर ली आजकल वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझेगा, और वो किसी के नीचे काम नहीं करता, किसी ऐसे आदमी के नीचे जो अनपढ़ हो। जी, कारपेंटर जो मार्केट में मिलते हैं वो सारे जो हैं अनपढ़ ही हैं, तो उनके नीचे ये ट्रेनिंग लेने के लिए भी काम नहीं करते। जब तुम ट्रेनिंग नहीं लोगे, थोड़े हाथ च हुनर है नहीं, इनिशियल थोड़ा वो बारे डिटेल्स पता है हुनर दियाँ, मगर थोड़े हाथ च हुनर तो नहीं है ना, तो जब वो हुनर नहीं होएगा तो कितने बनाओगे चीज़ा, नहीं बना पाओगे, दैन वो नशे वाले पास तुर पे बच्चे। वो देख के दैन ये मैंने कंसैप्ट क्रिएट किया, जितनी मेरी फैक्ट्री चों जड़िया कबाड़ असी बेच देंगे सी, असी पता किया मैं 5 रुपए किलो जी पेटियां की लकड़ी है असं बेच दें बालन के तौर पर। ये जितनी आइटम्स हैं ये 136 आइटम्स डिजाइन बनाए मैंने एक एक करके, ये पिछले 4 साल की क्रिएशन है ये किते, और मैं हूँ ITI आप ही है देखो जी, मैं थोड़ा ट्रे कह रहा सीगा, ये ट्रे 1 किलो लकड़ चो बनी हुई है ये। ओके, आजकल इसी का चलन है वैसे। हाँ, ये 650 ग्राम की ट्रे है, 1 किलो लकड़ चो बनी हुई है, मतलब 6 रुपए की लकड़, और ये थोनों 500 रुपए के नीचे मिलती नहीं है बाजार च, 500 तो ऊपर मिलती है, 600-700 रुपए की मिलती है। मीन तुम 500 रुपए का ना बच्चा बनावे, अगर कोई कारपेंटर अपनी घर के नज़दीक जी हाईवे है वो पर लेके आए खड़ा हो जाए तो भी 15 मिनट बिक जाएगी ये। ठीक है जी, दिस इज व्हाट यू कॉल आर्ट फ्रॉम स्क्रैप। और यस, और ये सिर्फ लकड़ी से नहीं बल्कि ये लोहे से भी क्रिएट की गई है, और सब कुछ सर ने ही क्रिएट किया, लेकिन अब कोशिश उनकी ये है कि ये जो काम है ये आजकल के वो युवा करे जो बेरोजगारी की कहें राह में हैं, अभी वो दर दर भटक रहे हैं, नहीं पता कि दिशा क्या लें, और दशा उनकी अभी फिलहाल बुरी है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल आर्ट फ्रॉम स्क्रैप। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सभी देख रहे हैं जॉस इंडी का ये खास प्रोग्राम रियल लाइफ आन टोल स्टोरी विद मी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी, और बहुत ही खास शख्सियत इस वक्त आज हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं के घर पर, बहुत ही प्यारे घर पर आज उन्हीं की जुबानी हम उनकी कहानी को सुन रहे हैं, मिस्टर अशोक भंडारी नादर जी से। सर एक बार फिर से आपका स्वागत। आपने सोच को ही बदला और आपके सितारे बदल गए, तो वो ब्रेक में जाने से पहले जो मेरा सवाल था ना वो जवाब उसका रह गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो कहानी जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। 1968 में यू डिड इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद फरीदाबाद में आपने फरीदाबाद में भी की, लुधियाना में भी सर्विस की मैंने। अच्छा। छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, मतलब ओवरऑल आपका जो वर्किंग पीरियड था काम करने का 6 साल। अच्छा। हाँ, उसके बाद 6 साल बाद फिर आपने जॉब अपने लिए खुद क्रिएट की। बिल्कुल बिल्कुल, 6 साल में मैंने, जिस दिन मेरे 25,000 रुपए बैंक में इकट्ठे हो गए, आई रिजाइन, कब की बात है, 74 में, 23rd of April 1974 आई रिजाइन। अच्छा। 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो मिसेज ने मुझे कहा भी कि बर्थडे के बाद करेंगे, मैं कहा नहीं, अपना बर्थडे शहन शाम अगर मनावेंगे अपना,
ठीक है, नौकर नहीं आ गया पावन उस दिन एंड आई रिजाइन. दैट्स व्हाट यू कॉल स्पिरिट. मतलब यू वर सो कॉन्फिडेंट ना उस वक्त कि मैं कुछ करूंगा और उसमें सफल भी जरूर होऊंगा. कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जिसमें आदमी नाकामयाब हो सके. नाकामयाब तब होता है जब आदमी के यहाँ पर नहीं होता कि मैं कामयाब हो पाऊँगा और अपने ऊपर विश्वास, पता है कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं, तो नाकामयाबी कहाँ से आई? जब चीज़ बन गई तो अब बेच आप लोगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बिकेगी वो. जब एक कहते हैं कि बिजनेस इज टू साइड अफेयर, ज़रूरतमंद को उस चीज़ की ज़रूरत है, आपने बेचनी है तो सौदा हो ही जाएगा, तो बिकी जाएगी, कमाई हो ही जाएगी. कोई ऐसा काम नहीं जिसमें से आदमी बगैर कमाई के किए बेचना पड़ी बड़े चीज़, तो इसलिए नो प्रॉब्लम, तो वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, तो सिर्फ बात यह है कि वन हैज़ टू बी श्योर हेयर ओनली, इट्स एवरीथिंग इज हेयर, कोई चीज़ नहीं है. वो कहते हैं ये हाथों का हुनर ना, ये सब कुछ हुनर लेना, पैदा होते तो नहीं आदमी के अंदर हुनर होता ना, हुनर भी लेना है आदमी ने. वो तब है जब आदमी कॉन्फिडेंट है कि मैं ये हुनर लेके मैं ये जो है ये कर लूँगा. फर्स्टली यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. तो जब मेरा 25,000 रुपये हुए मैंने रिजाइन कर दिया, करके मोहाली आ गए, यहाँ पे काम शुरू कर लिया. ठीक है, और खुदा ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया खुदा ने, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक दिन भी एक दिन भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. ठीक है, और शुक्र है उसका, बहुत अच्छा है, डूइंग वेल. बच्चा भी बहुत अच्छा निकला और बहुत अच्छा काम कर रहा बेटा भी. और तो ये तो हो गए सफल उद्योगपति की एक कहानी जिसके अंडर आज कितने लोग काम कर रहे हैं? 264 हैं. 264 लोग आपके अंडर इस वक्त काम कर रहे हैं. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, कमेंडेबल सर, बीइंग वेरी एग्जैक्ट. वाओ, दैट्स ग्रेट. नहीं नहीं सर, अनडाउटेडली ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है स्वरोजगार को जो आपने, हालांकि सरकार की तरफ से भी बार बार कहीं ना ये मैसेज हमेशा जनता को दिया जाता है कि स्किलफुल बनाने की जिम्मेदारी उनकी, लेकिन आपने स्वरोजगार का जो सृजन है वो आपने खुद करना है. स्वरोजगार बहुत जरूरी है, वो आपने खुद सोचना है. मैं अपनी फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज को भी कहता हूँ, भाई जो आदमी यहाँ से निकलना चाहता है निकलिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा. एक मिस्टर दत्त हैं, सोमदत्त जी, ठीक है, मेरी फैक्ट्री से निकले हैं वो, आज वो भी एंटरप्रेन्योर, कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं. एक वेल्डर थे जो आज दुबई में उस बेल्ट में हैं, वो रनिंग ऑयल जा रहा है पाइप में, उसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं वो. अच्छा, वो मेरे पास वेल्डर था. ठीक है, तो मैं हर एक को इंस्पायर करता हूँ, बच्चों करो कुछ कुछ करो, मैं यहाँ जिंदगी भर यहाँ काम मत करना. ठीक है, जाइए. मैं तो ड्राइवर को जो है बोला अपने को, भाई थ्री व्हीलर पात हूँ, थोड़े पैसे चीने में तो ले लें. ठीक है, तो अपना छोटा थ्री व्हीलर पा रहा है, पाके अपना जो है अपना काम करता हूँ. अच्छा, हाँ, व्हाट इज़ द फन ऑफ सर्विंग होल द लाइफ. तो ये चीज़ ज़रूरी है. तो सर ये तो आपने बताया कि वो फिर आपके अंडर अभी देखिए कितने लोग अभी काम कर रहे हैं जिनको आपने रोज़गार दिया है, लेकिन अशोक नादर ना सिर्फ एक बेहतरीन उद्योगपति हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा आपने ज़िंदगी में ना, मतलब मैं अभी जब से मैंने घर का एक कोना देखा है तो वहाँ पर लकड़ी से बनाए इतने ब्यूटीफुल जो डिज़ाइंस, चाहे वो टेबल्स हों, चाहे मतलब लोहे के स्क्रैप से, वुड के स्क्रैप से आपने बेहतरीन डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं. तो ये आपकी आपका पैशन था, हॉबी था, क्या था? कुछ नहीं जो था अब तक जारी है. ये कुछ नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा, नेवर थॉट ऑफ इट. गाँव में एक फंक्शन पे वहाँ देखा कि हाँ और लंगर वास्ते बच्चे जो है सब्जी कट रहे हैं. मैं पहला दस्या तेन उन्होंने मैंने टंगा अपनी बहां तो पता नहीं लगियाँ. यहाँ पर एक मैंने उन्हीं पे उनके बाद वो एक्सपीरियंस जो हुआ उसके बाद एक किताब लिखी मैंने वापस आके, और उसमें था कि नशे से दूर रहो. अच्छा, कि नशे से दूर रहो. वो नशे में यहाँ पर नहीं है बाई चांस, है नहीं, कि नशे से दूर रहो. वो जो बच्चे दो देखे जिनकी हालत ऐसी थी कि हाँ उनमें हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, उसमें पर होगी. अच्छा, जिनमें वो थी तो उनमें जो है उसी टाइम डिसीजन लिया मैंने कि भाई ये नशे से इनको लोगों को दूर रखना है, बच्चों को. ओके, बहुत कुछ लिखा मैंने उसके ऊपर. अच्छा, बहुत कुछ लिखा कि भाई जो है इनको दूर रखना है. और मैं हर एक स्कूल में हर एक कॉलेज में फ्री बांटता हूँ किताबें ये. ठीक है, और उसमें वही चीज़ है. और उसी से
कि हाँ भी इनको वो बाई चांस वो दोनों बच्चे कारपेंटरी ट्रेड से आईटीआई पास थे वो, अच्छा। तो उसी के लिए मैंने फिर ये ट्रेड ये पकड़ी, अच्छा। ये सीखा मैंने, कारपेंटरी का काम सीखा, एक लड़का मेरे घर पे भी काम करता था उससे सीखा मैंने ये ट्रेड का काम, अच्छा। सारे टूल्स लाए तो ये ताकि वो जो कारपेंटर ट्रेड करके आईटीआई करके निकलते हैं तो उनको आगे रास्ता मिले, अच्छा। उनको रास्ता देने के लिए सब कुछ तैयार किया ये, ठीक है। तो चल रहा है, कुछ कोशिश हो रही है कि हाँ। ये कब की बात है? हो गए 4 साल। चार, हाँ, अच्छा आपने बताया था वो जो दो लड़कों की कहानी करीबन 5 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे है। बहुत ही खूबसूरत सर डिज़ाइंस हैं जो कलाकारी आपने यहाँ पर अपने घर पे भी इनफैक्ट रखी हुई है, घर के हर एक कोने में। और इससे पहले आप बता भी रहे थे कि हर एक को बड़े ही आराम से मतलब बैठकर एकदम यू नो तसल्ली से कुछ कहते हैं ना क्रिएट करना, हाँ, मजा वो दिखता भी है सर, मजा आता है वो, मजा, हाँ, मजा नहीं ये यही तो होता है ना कि सर, हाँ। जब पैशन हो कुछ करने की, आप में अंदर जब जील वो इंथुजियाज्म होता है ना तो वो आपके द्वारा बनाए गए किसी भी काम में वो दिखता भी है। सो दैट वी कैन सी। मुझे शौक शुरू से प्लांट्स का रहा सर, मैं तो कहूँ, मैं वही कह रही हूँ ना, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, क्या आप एक साहित्यकार भी, आप नज़में इतनी ब्यूटीफुल लिखते हैं, फिर ये जिन छोटी छोटी कहीं थिन ये जो किताबें आप ये देख रहे हैं, इन सब में ज़िंदगी का सार है। और जितनी भी समस्याएं ना हम जिंदगी के जिस भाग दौड़ से गुजर रहे हैं, बस वो उन सभी को सर ने इन बुक्स में जो है वो मेंशन किया हुआ है। और उन समस्याओं से हम खुद को कैसे निकाल सकते हैं उसमें इसका सोल्यूशन भी है। तो सर ये तो हो गई आर्ट फ्रॉम स्क्रैप की बात, ये भी आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ज़िंदगी के एक और रूप को जानना भी यहाँ पर ज़रूरी है, और वो ये है कि अशोक भंडारी के आगे फिर नादर भी जुड़ गया, और यही वजह है कि अब आपको ज़्यादातर जो लोग हैं ना अशोक भंडारी नहीं अशोक नादर साहब कह के बुलाते हैं। नादर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, लीजिए वो बुक सर आपके अभी हाथ में है जिस बुक को हम पहले ढूंढ रहे थे, जब आप वो 4-5 साल पहले उस वाक्य जिसने आपको बदल कर रख दिया, अंदर से झकझोर कर रख दिया, वो किताब इस वक्त सर के हाथ में है। सर किताब का नाम है ये ज़िंदगी अनमोल है, ये ज़िंदगी अनमोल है। तो मैं चाहती हूँ कि सर वो जो दो बच्चों का आप जिक्र भी कर रहे थे उसके बाद वो वाक्य होने के बाद आपने उसे पेन डाउन किया, उनके वाक्य को मदर वहाँ नज़दीक बैठे थे, उनसे मिला मैं, तो उन्होंने जो रो रो के अपनी हालत बताई कि ये बच्चों ने क्या हाल कर दिया हमारे ख़ानदान का, तो वो अल्फाज हैं जो मैंने आके पेन डाउन किए। नशेड़ी बच्चे की माँ की चीत्कार, मिन्नतों से तुझे तो पाला है तुमने, आफत में आज डाला है, अब तो जाके जवां हुए थे तुम, सारे घर की ही शान हुए थे तुम, बरसों के तुम बीमार लगते हो, हालते तुम तुजार लगते हो, जिस्म बर्बाद क्यों ये करते हो, सबकी मिट्टी ख़राब करते हो, बाप दरगाह पे जाके बैठा है, माथा वो बुत कदों पे रखता है, बच्चे कैसे बिलख रहे देखो, रोटी को भी तरस रहे देखो, बीवी बेवा की तरह बैठी है, ना ही हंसती है ना ही रोती है, जर्द चेहरा लिए यूँ फिरते हो, सोते हो खाते हो न पीते हो, कैसा ये हाल कर लिया बच्चे, रात को उठ के यूँ ही रोते हो, शिकवा माँ बाप से तो करते हो, उनका खुद पर ना हक समझते हो। ये बहुत लंबी है, मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो नशे के शिकार बच्चे हो चुके हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके फैमिलीज़ की हालत बहुत ख़राब है, उनके ख़ानदान की हालत बहुत ख़राब है, माँ बाप का तो जो हाल है मैं बयान ही नहीं कर सकता, राइट। तो ये किताब लिखी, ये आपको ट्राई सिटी के हर मंदिर में हर गुरुद्वारे में मिलेगी, ये प्रसाद के साथ मिलती है, ये प्रसाद के साथ मिलती है, एक ये किताब मिलती है प्रसाद के साथ, एक ये प्रसाद के साथ मिलती है। बिल्कुल, उसका जिक्र भी मैं ज़रूर करूंगी सर, हाँ। लेकिन उससे पहले ये हाँ। जो आपने बातें ये ज़िंदगी अनमोल है को लेकर ये जो आपने कोट भी यहाँ पर किया है कि सभी अदीबों का है ये ख्वाब नशा मुक्त हो अपना समाज, आई विश ये जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही समाज हमारी आंखों के सामने कभी हो। सर ये इससे पहले कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक शहीदों को श्रद्धा सुमन आपके द्वारा लिखी गई, सभी आप ही के द्वारा लिखी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत, और फिर इसे
इस रूप से फिर इस रूप में देना, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें। लेकिन सर उससे पहले एक अहम सवाल ये है कि देखिए, अशोक भंडारी जो एक सफल उद्योगपति पहले बने, उसके बाद साहित्यकार में देखिए अपने उस जगत को भी आपने बड़ी ही बखूबी, अभी तक आप उसको बहुत ही खूबसूरती से जी रहे हैं। अशोक भंडारी से नादर तक का ये जो सफ़र है उसका प्लीज़ ज़िक्र कीजिएगा कि ये जो अंदर का नादर है, पहले तो नादर का मतलब ही मुझे बताइएगा क्योंकि मैं उतना उर्दू फारसी में नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप उन शब्दों को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये अपने अंदर के नादर को आपने कब पहचाना? आप सोचिए, एक शहंशाह का नाम नादिर रखा गया था। हाँ जी, नाम तो पता है लेकिन उसका मतलब तो नहीं पता। अगर कोई खास ही मतलब हो ना इसका, इसका मतलब है नायाब और डिफरेंट। अच्छा, सुंदर और डिफरेंट। नादिर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग ये है, नायाब और डिफरेंट। डिफरेंट, राइट। सुंदर और डिफरेंट, नादिर वर्ड का मीनिंग ये है। ये मुझे मेरे गुरु जी ने मुझे जो है ये तखल्लुस दिया। श्री राम अरस जी हैं, यहीं मोहाली में रहते हैं। इज़ अ ग्रेट पोएट, इज़ अ ग्रेट पोएट। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया और उन्होंने ही मुझे ये पोएट्री का जो अच्छा, है सिखाई। दिया था, राइट। उन्होंने दिया था। अच्छा। ये ठीक है, तो अच्छा है, चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत एंजॉय कर। लेकिन आपने सोचा था कभी? हाँ, कि हाँ। मतलब मैं ये थोड़ा सा समझना ना, हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एक उद्योगपति यू नो वो साहित्य जगत में भी उतनी ही खूबसूरती से उसको जी रहा है और ये सफ़र इतना लंबा चलेगा और अभी तक चलता रहेगा, ये कभी आपने सोचा था? नहीं। अच्छा। 1989 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका हेडिंग था इनफ, ENOUGH। और वो अंदाजन सभी अखबारों में छपा था, हिंदू में भी छपा था, साउथ में हिंदू छपते हैं, उसमें भी छपा था। वो उसमें ये था कि द डे यू फील व्हाट इज़ इनफ फॉर यू, असली खुशी उसके बाद शुरू होती है। लग्जरीज आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, मगर जो मन की खुशी है, आत्मा की खुशी है, वो तभी शुरू होगी द डे यू टेक ए डिसीजन इट इज़ इनफ फॉर मी। अब इसके बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कमाई की, जो होती है हो ही जाने दो, राइट। मगर आई नॉट डाई फॉर दैट, मैं उसके लिए मरूंगा नहीं कि हमें मैं कमाई ज़्यादा करनी है। दैट वॉज इन 1989 व्हेन आई टुक ए डिसीजन। मैंने गीता पढ़ी थी, गीता में एक वाक्य आता है, अर्जुन कहता है कृष्ण जी से कि जब उन्होंने दिखाया कि मैं खुदा हूँ, एक ही शख्स हुआ है इस ज़मीन पर पैदा जिसने अपने आप को साफ बोला कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, वो है कृष्ण जी। उन्होंने सारा दिखाया अपने मुंह के अंदर, अपने विराट स्वरूप सब दिखाया उसको। जब अर्जुन ने पूछा कि भाई ये जो आप भगवान हैं तो मुझे कोई कमाल की चीज़ दो, जो व्हाट यू रिक्वायर, कहता जो अल्टीमेट चीज़ है, ये सेड अल्टीमेट इज़ खुशी। इंडीड, अल्टीमेट इज़ खुशी। तो कहता दे दो, कहता आई एम सॉरी आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। तो खुशी तो आपने जो आपके काम कर रहे हो, जो आपके कर्म हैं, उससे मैंने आपको हालात देने हैं, उन हालात से खुशी आपने तलाश करनी है। यस। एक जो है वो जो एग्जांपल आप बुजुर्ग सुनते हैं कि हाँ जी वो पत्थर तोड़ने वाला सोया हुआ है और राजा जो है बाएं दाएं हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, उसने जो अच्छे काम किए राजा बना दिया, उसने बुरे काम किए उसको पत्थर तोड़ने वाला बना दिया। बट वो जो पत्थर तोड़ रहा है वो खुश है, सो रहा है, तबीयत से सो रहा है, और वो जो है लेफ्ट राइट है उसको नींद नहीं आ रही, उसने जो हालात मिले उसने उसमें से खुशी तलाश कर ली। ठीक है, तो आपने जो हालात हैं, 89 में मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे कमाई की ज़रूरत नहीं है, अब जो इनफ इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है, जो हो रही है अब बिजनेस है वो कमाई करता रहेगा, आप तो थोड़ी बहुत उसकी तरफ ध्यान दे दें। मैंने उसको डेवलपमेंट बंद कर दी और अपना मैं पोइट्री मेरा शौक था, मैंने इस तरफ लग गया। अच्छा, ये हुआ असलियत में तो। ठीक है। अच्छा। तो कुछ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, कुछ खुदा ने साथ दिया। कुछ का सीखना, मैंने उर्दू सीखा। अच्छा। मैं बताता हूँ। अच्छा। मेरे फादर साहब, बिकॉज उस जमाने में उस दौर में उर्दू ही चलता था फॉर एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ 1930s 40s 50s, वो तो लाहौर में भी। हाँ, लाहौर में बड़े हुए, तो वो उर्दू के बहुत ही कमाल का उनको उर्दू आता था। अच्छा। और हम यहाँ पे हम इकट्ठे रहते थे पंचकूला में, और रोज सवेरे हम दोनों कट्ठे कार में जाते थे। अच्छा। मोहाली फैक्ट्री, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता था, हम दोनों पीछे बैठे थे। अच्छा।
तो फादर साहब की इच्छा होती थी किसी दिन के उर्दू सीखे। अच्छा, उनकी इच्छा। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे से सारे रास्ते में एक घंटा जाना एक घंटा आना, जो बातें करते थे वो उर्दू में करते थे। वो मैक्सिमम वर्ड्स यूज करते थे और उन्होंने मुझे डंडे के जोर पे कॉपी लगाई थी कि आज रोज एक वर्ड सीखना है तुमने। अच्छा। और उसमें नोट करना है, उसका मीनिंग नोट करना है, सब करना है। तो वो अभी पड़ी है मेरे पास, तो वो मैंने अंदाजन 1400 वर्ड सीखे, वो उसमें यूज कर लिया। आपसे मैंने भी आज एक वर्ड सीख लिया। हाँ? मंजर कशी। मुझे उर्दू के उर्दू सीखना अच्छा, लेकिन अब ऐसा है कि कोई होता है ना साथ में और वो कोई एक आधा वर्ड ऐसे बोल दे तो वो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। फिर हाँ, फिर हाँ, बोलने में भी अपने आप में ये जो वर्ड्स हैं वो बोलने में मजे आते हैं, ये खुशबू देते हैं। यस, ये उर्दू जो है ये लैंग्वेजेस एक दूसरे से जो वर्ड लेती हैं उससे उस लैंग्वेज में खुशबू पैदा होती है। हिंदी में बहुत वर्ड्स हैं, लफ्ज है, लफ्ज भी तो फारसी का लफ्ज है। यस यस, ये हिंदी का तो है नहीं। यस, बट ये हमने अडॉप्ट कर लिया, हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया। हाँ। तो लफ्ज ने देखिए कितना सुंदर है, एक सुंदरता दे रहा है आपकी जो है बातचीत को। करेक्ट सर, करेक्ट। तो लैंग्वेज जो जब आपस में मिलती है तो खुशबू आती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसे फिर आपने उर्दू सीखी? ऐसे ही सीखी मैंने। आपको सिखाई गई? मुझे लिपि नहीं आती। हाँ, मुझे लिपि नहीं आती, ना मैं लिख सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा। मैंने वो 1000-1500 वर्ड्स हैं जो मुझे आते हैं मैं वही यूज़ करता हूँ। अब सर मुझे एक्चुअली मेरी जो टीम है वो ब्रेक के लिए भी मुझे इस वक्त कह रही है, लेकिन उससे पहले ना मैं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा सुना है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने तब लिखा अपनी पहली नज़म, आपने तब लिखी व्हेन यू वर सैड, है ना? हिंद पाक दोस्ती, इस ख्याल से मैंने पहली नज़म लिखी थी। वो है, कितना अजब है कि तू वहाँ और मैं यहाँ पे हूँ। आई एम आस्किंग टू द पाकिस्तानीज, मैं हूँ हिंद में और पाकिस्तान में है यारा तू। जफा को तू भूले, वफा से मैं फिरूंगा नहीं, पिरो के माला में वफा, तेरी जफा के कांटे भी चुन लूँ, ना करूँगा शिकायत, मलाल होगा तुझे, बस ये बातें यहीं तक, तेरे तो बहुत नाज रखता हूँ। रंग हो बाग का और बोली परिंदों किसी हो, ना हो हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई, हम सब बस पंजाबी हों। क्या लुत्फ जब बैठे हम दोनों गुलिस्तान में कहीं, एक शक्ल एक तहजीब मगर फिर ये मुख्तलिफ सोच क्यों हो। बामे फलक से सितारे उतर के आए हमें देखने को, परेशानी और खुराफात का नामो निशाना हो। बैठे हों दोनों ज़ौक से, ना सोचें मेरा तेरा, आबे हयात की बारिश हो और बस मौज करें, नदियों का पानी भी खुशी से रक्स करने लगे, हर शाम लेके आए पैगाम सुबह ना और हम जश्न करें। कुछ तुम और कुछ हम बनाएं, जोड़ कर बने कोहसार और दिखाएं दुनिया को अपना चांद और सूरज मिलकर। अजब यह है कि तू भी और मैं भी अपने अपने कोने में हैं, कब उठेंगे नीम शबी से और इकट्ठे होंगे दिल खोल कर। क्या बात है, ये अपने उस दोस्त के लिए लिखा गया। हाँ, लिखी गई नज़्म कि अगर क्या हुआ था सर वैसे? बस ये वहाँ पे शहीद हो गए थे बांग्लादेश में। अच्छा, डिफेंस में थे? हाँ, डिफेंस में थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो। तो सोच ये पैदा हुई कि यार ये कितना क्यों गन डाल रखा है, ये क्यों ना हम दोस्त बन जाएं और जिंदगी आराम से जिए। तो उस पॉइंट को फिर ये जो इस नज़्म में, कितनी पुरानी दोस्ती थी सर आपकी उनकी? हम स्कूल से 8वीं से हम क्लासमेट थे, 1958 में हम इकट्ठे हुए थे। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ देखता आदमी। और फिर वहाँ से लिखना आपका शुरू हुआ? हाँ, बस वो फिर आप उदास थे तब। हाँ, एक साहब ने मुझे बताया कि यार तेरी नज़म बहुत प्यारी बनी है। आई वाज स्टंड, मैं कह नज़म है यार, कहते हाँ इसी को नज़म बोलते हैं। तो बस उसके बाद फिर शुरू हो गए, चल रहा है ऐसे। तो ये है साहित्यकार के रूप में आपकी शुरुआत। सर समाज सेवी के रूप में भी हालांकि झलकियां आपने कुछ कुछ हमें विजुलाइज करवा ही दिया अपनी बातों में, समाज सेवी के रूप में भी आपने, मैं तो कहूंगी सर वो 4-5 साल पहले जब वो दो लड़कों से आपकी मुलाकात हुई, कह सकते हैं कि एक वहीं से ही आपका समाज सेवी के रूप में भी काम शुरू हो गया। समाज सेवी लफ्ज पता नहीं क्यों पैदा हुआ, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, ये लफ्ज जब मेरे साथ जुड़ता है मुझे बहुत अजीब लगता है। अच्छा। हर इंसान की जिम्मेवारी, हर इंसान जो अपने पैदा हुआ है उसकी जिम्मेवारी है। सारी उम्र मैं इस सोसाइटी से लेता रहा,
अगर रीपे नहीं करूँगा उसको शक्ल कैसे दिखाऊँगा जाके, उसको शक्ल दिखानी बहुत मुश्किल होगी। हम ठार से ऊपर उसके खुदा के पास तभी जा पाएंगे अगर हमने जो लिया है हम रीपे करेंगे। बिल्कुल सर, इस शब्द को आपने इनलाइटन किया है, सही अर्थों में इसे समझाने की कोशिश की है। सर, ओल्ड एज होम का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये कहते हुए सुना है, हालांकि आज जब आपसे मुलाकात हुई तभी भी आपने ये कहा कि ओल्ड एज होम बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। मेरे ख्याल से जितना कसूरवार जो बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा हम हैं उनके पेरेंट्स। बुजुर्ग जो हैं, मैं हर अभी भी चार दिन पहले भी मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके आया हूँ, वहाँ भी यही बोला है, मुट्ठी बंद रखो, अगर ज़िंदगी तबीयत से जीनी है मुट्ठी बंद रखो, अपनी ओल्ड एज के लिए पहले सेफ रखो। मोहब्बत ये दिमाग में रखना, मोहब्बत खुदा ने एक सिस्टम बनाया, हर एक चीज़ ग्रेविटी से नीचे को जा रही है, मोहब्बत भी नीचे जाती है, नीचे से ऊपर नहीं आती। जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, मैं लिख के देता हूँ, उतना प्यार अपने आपने माँ बाप से नहीं किया, वो कुछ कम है, इधर कुछ ज़्यादा है। जब पलड़ा जिधर भारी होगा उधर को ही आप जाओगे, राइट। मोहब्बत भी ऐसे ही जाती है। ये मत सोचो कि बच्चे आपको, उनसे उम्मीद मत करो, अगर उम्मीद करते हैं अगेंस्ट नेचर करते हैं आप। हमारी ज़रूरत है हम उनसे उम्मीद करते हैं, हमारी ज़रूरत है कि हमारी वो हेल्प करें, बट अदरवाइज़ खुदा ने जो बनाया है वो असूल यही बनाया कि ऊपर से नीचे को जाएगा। पानी पहाड़ों से पिघल के नीचे जाता है, समुंदर में आराम से चला जाता है। समुंदर से जब पानी ने दोबारा ऊपर जाना है, पहले उसको फूकना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, भाप बनेगा, तब जाके ऊपर पहुँचेगा वो, राइट। तो सोच के चलो, डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, अपने आप को सेफ रखो। That is important. मैं सर के बारे में ये बताना चाहूँगी, हालांकि मैं उससे पहले ये बता दूँ कि इस वक्त हम सर के जो आवास है उनका, नादर सर का, उस आवास की छत पर हैं और यहाँ पर एक नर्सरी है जो उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई है, और यहीं से ही जो वो प्लांट्स एक नए प्लांट्स के रूप में उन्हें शक्ल देते हैं, प्लांट से ही प्लांट्स को एक नई शक्ल दे देते हैं, और फिर घर पे कोई भी आता है तो उन्हें भी वो प्लांट के तौर पर उन्हें गिफ्ट किया जाता है। ओल्ड एज होम की जो हमने बात की है ना, क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सेटलमेंट सर कराते हैं, और अगर सेटलमेंट कराने के लिए उन्हें अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी सिटी में भी जाना पड़े तो इसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। आई गेस रिसेंट सर केस जो है भोपाल का है, जहां पर अभी आपने जाना है सेटलमेंट के लिए। अभी सोलन शर्मा साहब का जो है अभी सेटल हुआ है। अच्छा, लेटेस्ट वही हुआ है। अच्छा, तो कई बार जो है वही मैंने कहा कि जो देना है ना वो दिमाग में रखिए, जो अपनी जेब में है वो अपना नहीं है, वो सोसाइटी का है, उसको रीपे कर दो, बहुत 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 खुशी मिलेगी। बट सर पता अच्छी बात क्या है कि देखिए, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन में, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड विद योर नेम, विद मेनी अदर पर्सनालिटीज आल्सो, उन्होंने भी समाज सेवी के रूप में ओल्ड एज होम खोले हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना है कि वो लोग जाकर सेटलमेंट करवाते हों। तो आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से वो वक्त निकालते हैं और परिवार में सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही जितना दिलचस्प है उतना ही ज्यादा ये प्रेरणादायी भी है। ओल्ड एज होम खोलना अकलमंदी नहीं है। जहाँ से बुजुर्ग आए हैं उन्हीं बच्चों में उनको रहने दो, हालात क्रिएट करो। अभी तक मैं 47 बुजुर्गों को, लेडीज, दो लेडीज हुई है, 45 आदमी है, ठीक है, उनको मैं कर चुका हूँ। और लेडीज नहीं आती ओल्ड एज होम में सिर्फ इसलिए कि लेडीज अपने लास्ट डे तक फैमिली के लिए यूजफुल होती हैं, आदमी यूजफुल नहीं रहता। यस, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। सर आपने लाइफ के फैक्ट्स के बारे में इतना कुछ हमें बताया है, तो अब प्रोग्राम का, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, तो उसके अंत में कुछ ज़रूरी बात भी है, एक रूप के रूप एक कहें एक और भूमिका की आपका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, और वो है इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर क्योंकि ये नर्सरी क्रिएट की हुई है आपने, ये इसी पर्पस के लिए है। घर की शुरुआत से लेकर घर की छत तक हर जगह आई कैन सी प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। इनमें से 5 प्लांट ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सर घुमाएं अपनी नर्सरी। मैं घुमाता हूँ, आइए आइए, ये देखिए, ये
स्पाइडर है, ये स्पाइडर 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप इतना अच्छा लिखते हैं, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम का अभी, क्योंकि हमें पूर्ण विराम भी उस पर लगाना है प्रोग्राम को, सो मैं चाहूँगी कि आप मैसेज के साथ अपनी कोई प्यारी सी नज़म, जिसमें संदेश, हालांकि हर एक में संदेश ही छिपा हुआ है, उस संदेश के साथ आप ही इस प्रोग्राम में पूर्ण विराम लगाएं। ऐसी है, मैं वतन के लिए बहुत कुछ लिखा, मैंने शहीदों के लिए बहुत कुछ लिखा, मैं उसी के दो तीन शेरों के साथ जो है चाहूंगा कि हाँ एंड किया जाए। जरूर सर, जरूर। कलम अपनी झुकी देखी शहीदों के मज़ारों पर, कलम अपनी झुकी देखी शहीदों के मज़ारों पर, मोहब्बत लिखने बैठी थी शहादत लिख दिया उसने, मोहब्बत लिखने बैठी थी शहादत लिख दिया उसने। एक मेरा शेर है, चीनी माल लेना है वतन के साथ गद्दारी, चीनी माल लेना है वतन के साथ गद्दारी, गद्दारी है इस हद तक कि आज़ादी पे है भारी, गद्दारी है इस हद तक कि आज़ादी पे है भारी। आप जो कुछ भी चीनी माल लेते हैं उनके आर्मामेंट्स बना के वही हमारे ऊपर बाद में जो है चढ़ाई करेंगे, दे विल बी रिचर, और अपने आप वो जो है उसी का पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे वो। अजमत हिंद की हमको तो अपनी जान से प्यारी है, अजमत हिंद की हमको तो अपनी जान से प्यारी है, मिट्टी माँ है ये सब की, हमें ये जान से प्यारी है, मिट्टी माँ है ये सब की, हमें ये जान से प्यारी है, झंडा चूम कर निकलो ये माँ बहनों की इज्जत है, झंडा चूम कर निकलो ये माँ बहनों की इज्जत है, इसके लहलहाने में वतन की शान न्यारी है, इसके लहलहाने में वतन की शान न्यारी है, आता है उसे ललकारना, आता है उसे ललकारना बस पीठ पीछे से, आता है उसे ललकारना बस पीठ पीछे से, मारेंगे भगा कर अब के नादिर अपनी बारी है। यू नो, इश्क़ वतन के भाव से लिखी गई वो जो नज़म थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मुझे समय देने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी जो है सफ़र की जो गाथा है वो पहुँचाने के लिए। बहुत मेहरबानी है, आपने इन ख्यालात को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएंगे, जरूरी भी है सर, जरूरी, वो मुझ तक पहुँची है, मुझ तक पहुँची है, मेरी कोशिश रहेगी कि हम भी आगे पहुँचाने की कोशिश करें। हम जो हजारों किताबें मैं छुपा रहा हूँ, फ्री बांट रहा हूँ, आप उसका वो मेरा ख्याल है जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना तो आपने एक सिटिंग में कर दिया। अरे बहुत बड़ा काम सर, ये हमारे लिए मान की बात है, वो सब तभी संभव हुआ ना सर जब आपसे मेरी हमारी मुलाकात, तो ये हमारे दर्शकों की मुलाकात है। तो सर दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका, जस्ट हिंदी आपके जज्बे और आपके सम्मान, आपके साहस की इस कहानी को दिल से सलाम करता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस शो। तो अब यही से आपसे इजाजत भी लेंगे, लेकिन इस नोट के साथ के देखिए, सर के साथ आज बात हुई, हालांकि इस प्रोग्राम के माध्यम से जिस भी हमारे सम्मानित शख्स के साथ बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता छुपी होती है उनके जीवन में, उनकी सोच में। तो ये जो सोच होती है ना, सबसे पहले जो पॉजिटिव आप होंगे, सकारात्मक होंगे, तो ये हमें खुश करेगा, खुश होंगे तो टारगेट्स अचीव करने में हमें ये उतनी ही ज़्यादा सहायता करता है। तो इस सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त, लेकिन जाते जाते एक अपील जो आपसे हर बार की जाती है वो ये है कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है, और इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें नीचे दी गई ईमेल आईडीज़ पर info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप अपने विचार इस प्रोग्राम को लेकर, आज के इस एपिसोड को लेकर ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार हमेशा मुझे हर बार की तरह रहेगा। इसी के साथ मुझे यानी गीत उदय सैनी को दीजिएगा इजाज़त। आप सभी जिंदगी में खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।